नमस्कार आदाब दोस्तों, मुंबई एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि जैसे कि कल रात में हमने एक वीडियो डाला था, इसमें हमने ये बताया था कि हमारे मुंबई की सरजमीन पर गॉड ऑफ द क्रिकेट माननीय श्री सचिन तेंदुलकर जी मुंबई में आने वाले हैं। तो क्या वजह थी उनकी मुंबई आने की और क्यों वो आए मुंबई में, किस चीज़ को लेकर उन्होंने यहाँ पर आकर स्पीच दी, ये आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि मुंबई पर जो बदनामी का दाग लगा हुआ है उससे धुलने की मुहिम जो हमने टैलेंट्स ऑफ मुंबई के थ्रू शुरू की थी उसमें हमें सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है। मतलब ये कि लोगों का जो नज़रिया था हमारे मुंबई को लेकर काफ़ी हद तक के उसमें बदलाव आया है। जैसे कि आज मास्टर ब्लास्टर जिन्हें गॉड ऑफ द क्रिकेट भी कहा जाता है, न जाने कितने नाम हैं उनके जो उनके चाहने वाले उनको पुकारते जिस नाम से, आज वो हमारे मुंबई की सरजमीन पर आए थे और उन्होंने मुंबई के बच्चों को स्पोर्ट्स के प्रति एनकरेज किया और ये भी कहा कि अपने टैलेंट्स को वेस्ट मत करो। तो दोस्तों, उन्होंने फुटबॉल के प्रति, क्रिकेट के प्रति, हर तरीके के स्पोर्ट्स के लिए और जो MMLE पे स्थित स्टेडियम है उसको लेकर भी लोगों को संदेश दिया कि जब हमारे पास हमारे अपने घर में मुंबई में इतनी अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल है जैसे कि स्टेडियम जिसमें हर तरीके का स्पोर्ट्स इंसान सीखने के लिए भी जा सकता है और खेलने के लिए भी जा सकता है, तो उन्होंने ये चीज़ पे ज़्यादा दबाव डाला मुंबई के लोगों पर कि अपने बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए इनकरेज करो, उन्हें डीमोटिवेट मत करो, क्योंकि मेन बच्चों के माँ बाप अगर उन्हें मोटिवेट करेंगे और उन्हें सही प्लेटफॉर्म मिलेगा अपने टैलेंट को दिखाने के लिए तो जाहिर सी बात है हमारे मुंबई की युवा पीढ़ी इतिहास में मुंबई का नाम दर्ज कराएगी। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। जय महाराष्ट्र, जय हिंद। प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें और शेयर करना ना भूलें और हमसे जुड़े रहने के लिए नीचे बेल आइकन दबाना ना भूलें।